दोस्तों मार्च 2020 में टाइगर श्रॉफ की बागी 3 फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और खबरों की माने तो ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी और इस फिल्म के रिलीज होते ही टाइगर के फैंस इनकी नेक्स्ट फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उनकी अगली फिल्म कौन सी होगी, उस फिल्म की कहानी क्या होगी और उस फिल्म के किरदार कौन कौन से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए टाइगर श्रॉफ की नेक्स्ट फिल्म की जानकारी लाए हैं। अगर आप भी टाइगर श्रॉफ के फैन हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथ ही दमदार एक्टर के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टाइगर श्रॉफ की बागी 3 के रिलीज होने के बाद लोग इनके नेक्स्ट फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बागी 3 के बाद इनकी नेक्स्ट फिल्म रैम्बो होगी, जिसका हाल ही में कुछ समय पहले का पोस्टर रिलीज हुआ था जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। आपको बता दें रैम्बो सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म है जो हॉलीवुड के एक जाने माने एक्टर हैं। अब तक रैम्बो के 4 पार्ट बन चुके हैं और चारों पार्ट को अब तक काफी ज्यादा पसंद किया जा चुका है। रैम्बो के फर्स्ट पार्ट रैम्बो ब्लड को सिद्धार्थ आनंद हिंदी में रिलीज कर रहे हैं। आपको बता दें सिद्धार्थ आनंद रैम्बो फिल्म के डायरेक्टर हैं। इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ ने काफी मेहनत भी की है। सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने टाइगर को हूबहू सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह लुक को देने में की है। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा जिसके लिए सिद्धार्थ काफी मेहनत भी कर रहे हैं। फिल्म की कहानी में एक आर्मी ऑफिसर की कहानी को दिखाया जाएगा जो छुट्टियों को बिताने के लिए अपने गांव जाता है, जहां उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है और जिस कारण लोग उसे प्रवोक करते हैं और बार बार उसकी दुखती नस को दबाते हैं, वजह से वह आर्मी ऑफिसर से गुस्सा हो जाता है और उस गाँव में तूफान आ जाते हैं। फिल्म में टाइगर इस बार और जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में हीरो को पहाड़ की चोटियों पर विलेन से लड़ता हुआ दिखाया जाएगा और इतना जबरदस्त एक्शन पहली बार किसी हिंदी फिल्म में होगा। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को देखा है तो आप इस फिल्म से सही से कनेक्ट कर पाएंगे। वहीं अभी तक इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। खबरों की माने तो दिशा, श्रद्धा और कृति सनन में से ही इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस को चुना जाएगा, जो पहले भी टाइगर के साथ काम कर चुकी है, जिनकी जोड़ी को पहले टाइगर के साथ देखा जा चुका है। आपको बता दें कि बागी 3 के रिलीज के बाद टाइगर रैम्बो की शूटिंग शुरू करेंगे और हो सकता है कि अक्टूबर 2020 तक इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाए। आपको बता दें कि फिल्म रैम्बो के निर्देशक सिद्धार्थ ने पहले भी एक हॉलीवुड फिल्म नाइट एंड डे को हिंदी लैंग्वेज में बना चुके हैं, जो बैंग बैंग के नाम से बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी, पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिस वजह से कई लोगों का मानना है कि शायद रैम्बो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल ना कर पाए। अब ये तो फिल्म रिलीजिंग पर ही पता चलेगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। तो दोस्तों आप रैम्बो फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर श्रद्धा और दिशा में से किसको देखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।